छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुटों तो। वायर लेके इसको मोड़ के ऐसे आप बना सकते हैं, इसमें आप ऐसे भी रख सकते हैं वायर को और ऐसे भी रख सकते हैं। Hey guys, welcome back to the video. My name is Harsh and I am preparing for various SSC exams. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, तैयारी आपका अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का वीडियो थोड़ा नया होने वाला है। आज के वीडियो में मैं पूरे दिन के बारे में कौन सब्जेक्ट किस टाइम में पढ़ता हूँ, कितने देर पढ़ता हूँ, वो मैं बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी 6 बजने वाले हैं, तो अभी मैं अपना टू डी लिस्ट बना लिया हूँ, तो आपको टू डी लिस्ट दिखाता हूँ। फिलहाल अभी 6:30 होने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है, तो चलिए 10 मिनट वॉकिंग कर लेते हैं, आपको बाहर का नजारा दिखाता हूँ। फिलहाल मैं अभी गांव में हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं शहर से गांव शिफ्ट कर गया हूँ और ये है मेरा स्कूल ना अल्मा मैटर, देख सकते हैं आप। और उधर उसके पीछे नदी है, किसी और ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा, नदी बहुत बड़ी नदी है। तो अभी मैं पैर हम धो के नीचे से फ्रेश होकर अच्छे से आ गया हूँ। अब जो मैं अपना पहला सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, और पहला सेशन मेरा रहेगा ये वोकैब, जो मैं एमबी पब्लिकेशन से करूँगा। तो सुबह का टाइम में पहला सेशन मैं जनरली याद करने वाला करता हूँ, क्योंकि सवेरे माइंड फ्रेश रहता है तो जल्दी याद होता है। तो करते हैं वोकैब, उसके बाद अभी 30-35 मिनट रहेगा वोकैब का, तो उसके बाद वोकैब करने के बाद फिर करंट अफेयर करना है, तो पहले वोकैब कर लेते हैं। चलिए वोकैब करने के बाद फिर मिलते हैं। अभी मेरा वोकैब सेशन जो है अब समाप्त हो गया है, अब मैं जीएस और करंट अफेयर करूंगा। मैं वो अधिकतर यूट्यूब से ही करता हूँ, बुक से कम ही यूज करता हूँ। बुक का अगर कहीं दिक्कत होता है तो बुक का यूज कर लेता हूँ, और वैसे अधिकतर मैं यूट्यूब से ही करता हूँ। तो अभी मैं करंट अफेयर करने वाला हूँ कुमार गौरव सर से यूट्यूब पर। तो उससे पहले मैं ये स्टैंड के बारे में बताना चाहूँगा, ये स्टैंड मैंने खुद से हाथ से बनाया है, अपने हाथ से ही बनाया है। ये आप कर सकते हैं, एक वायर लेके इसको मोड़ के ऐसे आप बना सकते हैं, इसमें आप ऐसे भी रख सकते हैं मोबाइल को और ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये बहुत मतलब सही है, तो ये आप भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी आप करंट फेयर करते हैं। लगा लो हार पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुटों दौड़ता है, अगर तुम्हारी
तो गाइज अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगा। तो आप एक काम कर सकते हो, ब्रेकफास्ट करते समय आप कोई सा भी न्यूज़पेपर या कोई सा भी हो, आप वो रीडिंग कर सकते हो। इससे आपका क्या होगा कि एक तो करंट अफेयर सही होगा और दूसरा आपका रीडिंग सेक्शन भी इम्प्रूव होगा। तो रीडिंग सेक्शन के लिए इसको अच्छा माना जाता है। तो आप न्यूज़पेपर अगर है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी हो तो वो आप कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर आप पढ़िए, उससे फायदा ही होगा। तो गाइज एक बजने वाला है, तो अभी मेरा बाकी है मैथ करना है और रीजनिंग करना है। रीजनिंग में प्रैक्टिस करना है, मैथ में लगभग 100 क्वेश्चन करने हैं और इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है। तो ये सब चीज़ अभी बाकी है, अब एक बजने ही वाला है। तो चलिए पहले जाके आप नहाते हैं, नहा के आएंगे, उसके बाद फिर तब मैथ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग करेंगे और देखेंगे और क्या चीज़ बचा हुआ है। तो अभी तो लगभग मतलब 50% भी काम अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत सारे काम करने हैं। चलिए जल्दी से काम करते हैं। 1 hour later। हे गाइस, 3 बजने वाले हैं, मैं नहा लिया हूँ और लंच भी कर लिया हूँ। अब जो है मैं अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करने वाला हूँ। थर्ड स्लॉट में मैं भी इससे मैथ के लगभग 100 क्वेश्चन करूँगा और उसके बाद फिर रीजनिंग भी करना है। तो चलिए अपना सबसे पहले थर्ड स्लॉट स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं मुझे आपको अभी कौन सा चैप्टर करना है, इसमें अभी चैप्टर जो करूँगा मैं, मेरा लगभग ये नंबर सिस्टम हो गया, इधर टाइम वर्क हो गया है और पाइप सिस्टम हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड ट्रेन भी हो गया। रेस तो नहीं करना है, अभी रेस से अपना क्वेश्चन नहीं आता। तो अभी मेरा अभी हम चलिए ये करते हैं, पावर इंडिसेस एंड सर्च करते हैं। इसका रिवीजन भी हो गया है, तो इसमें ये वाला चैप्टर करते हैं, पावर इंडिसेस एंड सर्च। तो अगर आप पहले जब भी मैं ये कोई चैप्टर करता हूँ तो उससे पहले एक बार मैं इस क्लास नोट से एक बार उसको रिवाइज कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लूँगा, उसके बाद फिर इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं गाइस 100 क्वेश्चन करने के बाद मैथ में। गाइस, तो मैं मैथ वाला सेक्शन अब हो गया है। अब मैथ में लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब लगभग 100 क्वेश्चन करने के बाद अब दिमाग थोड़ा गर्म हो गया है, अब इसको ठंडा करने के लिए चलिए कोई हल्का फुल्का कुछ पढ़ लेते हैं। इंग्लिश के अभी प्रैक्टिस करने हैं, तो अभी थोड़ा सा इंग्लिश का क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं। तो इंग्लिश में जो ग्रामर जो मैं इससे कर रहा हूँ इंटरमैथ से, तो इसमें ग्रामर के रोल प्ले चलिए पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इससे क्वेश्चन करते हैं रोल पढ़ने के बाद। तो इसमें जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में जो है अभी रूल पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल पढ़ने के बाद इससे लगभग 50-60 क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 1 hour later। तो गाइज अभी मैंने इंग्लिश ग्रामर रूल से जो है 60 क्वेश्चन लगभग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से किया है। तो रूल के बारे में यही कहना चाहूँगा, ग्रामर रूल जितना भी है उससे अच्छा है कि आप उसको याद करना चाहोगे तो वो जल्दी याद नहीं होगा। तो उसको आप अगर प्रैक्टिस करके याद करना चाहोगे तो वो जल्दी याद होगा। तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन में जितना हो उतना प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर रूल से करना चाहेंगे पढ़ पढ़ के याद करना, तो वो आप क्या होगा कि वो जल्दी याद नहीं होता है और
याद होने के बाद कुछ दिन के बाद आप भूल भी जाएंगे, तो उसको आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस कीजिए। और तो इंग्लिश हो गया, अब जो है बचा हुआ है रीजनिंग, तो अब थोड़ा सा अभी 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के ब्रेक के बाद, बाय। Hey guys, अब आज का आखिरी स्लॉट स्टार्ट करते हैं जो रीजनिंग है। रीजनिंग के अब ही लगभग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर खत्म आज का स्लॉट। लगभग सारे जितने भी टू मिनट्स बनाए थे लगभग वो सारे पूरे होने वाले हैं, सिर्फ एक रीजनिंग को छोड़ के। तो रीजनिंग के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। One hour later. तो है गाइस, आज के लगभग सारे टारगेट मैंने पूरे कर लिए हैं। और एक जरूरी बात कि मैं अभी मॉक डेली नहीं दे रहा हूँ, मैं मॉक वीकली देता हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय।